ये ग्रीक वर्ड एम्फी और बायोस से मिलकर बना है। एम्फी का मतलब होता है ड्यूएल, जबकि बायोस का मतलब होता है लाइफ। मतलब एम्फीबियन जो होते हैं वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, मतलब वो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे आप जानते होंगे मेंढक, मेंढक जो होता है वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। इसमें दो पेयर लिम्स होती है, यानी टू पेयर्स लिम्स, मतलब ये टेट्रापोडा है, यानी इसके चार पैर या हाथ आप कह सकते हैं होता है। ठीक है, मेंढक में आपने देखा होगा चार, दो आगे की तरफ और दो पीछे की तरफ होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, मतलब इनके शरीर के दो हिस्से होते हैं, एक सिर वाला हिस्सा होता है जैसे मेंढक में आप देखा होगा, ठीक है, और एक ट्रंक वाला हिस्सा होता है, ये ट्रंक वाला हिस्सा, ठीक है। और इस तरह से इसके दो लिम्स हो गए इधर आगे की तरफ और दो जो है पीछे की तरफ होते हैं इस तरह से, ठीक, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, बस समझ गई। इसमें टेल हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। कुछ केसेस में टेल होता है, कुछ केसेस में टेल नहीं होता है। इनकी जो त्वचा होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है, इसमें स्केल नहीं पाया जाता, यानी ये विदाउट स्केल्स होते, जैसे आपने मछलियों में पढ़ा था कि वहाँ प्लेक्वायर्ड स्केल्स पाए जाते थे, ठीक है, तो इसमें जो होता है स्केल्स नहीं पाया जाता, यानी विदाउट स्केल्स होते हैं, विदाउट स्केल्स, ठीक है। आई जो होती है, इनकी जो आँखें होती हैं उसके ऊपर पलकें पाई जाती हैं, मतलब आई लीड्स होती है, आई हैव आई लीड, ठीक है, मतलब ढकने के लिए, आँखों को ढकने के लिए आई लीड्स पाई जाती है। और इसमें जो कान होता है वो टेम्पेनम होता है, टेम्पेनम जो कि प्रेजेंट, टेम्पेनम मतलब एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट होता है, टेम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, ठीक है। जैसे इस फिगर में आपने देखा कि यहाँ पे मान लीजिए उसकी आंखें हो गई, ठीक है, उसके ऊपर आईलिड्स पाई जाती है, यहाँ पर एक व्हाइटिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेम्पेनम बोलते हैं, इस तरह से यही इसका कान होता है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, मतलब बाहर की तरफ, जैसे हम लोग में निकला होता है बाहर की तरफ कान की तरफ ना, लिम्स निकले सॉरी कान बाहर की तरफ निकला होता है, लेकिन इसमें जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस एक सिंपली मेम्ब्रेन होती है व्हाइटिश कलर की जिसको टेम्पेनम बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है। इसका एलिमेंट्री कैनाल्स, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है एक कॉमन चैम्बर में खुलता है जो कि मस्कुलर होता है, उसको क्लोएका बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड क्लोएका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लोएका, CLOACA, ठीक है। देखिए इसमें जो रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा भी होता है, लंग्स भी पाए जाते हैं यानी लंग्स के द्वारा भी होता है, और स्किन के द्वारा भी होता है। इनका हार्ट जो होता है तीन चैम्बर होता है, इसमें हार्ट में तीन चैम्बर पाए जाते हैं। अभी तक आपने देखा मछलियों में जो होता था दो चैम्बर सिर्फ पाया जाता था, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पे तीन चैम्बर पाया जाता है। तो हार्ट है थ्री चैम्बर, ठीक, दो ऑरिकल होता है ऊपर वाला, दो ऑरिकल और एक जो होता है वेंट्रिकल होता है, ठीक है। देखिए जैसे हार्ट है, ये मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक, तो ऊपर की तरफ दो ऑर्किल हो गया, एक ऑर्किल ये हो गया, एक ये हो गया, और सिंगल वेंट्रिकल होता है, ठीक है, तीन चैम्बर। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी पोइकिलोथर्मल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन न कर पाए, रेगुलेट न कर पाए,
और इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहरी इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। यानी बाहर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइबरनेशन में या एस्टिवेशन पीरियड में चले जाते हैं, जहाँ पे इनको अगर ठंड रहती है तो ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ गर्मी हो, ठीक है, ताकि इनके बॉडी गर्म रह सके। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये ठंडे स्थान पर आ जाते हैं ताकि इनका बॉडी ठंड रहे। मतलब इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं पाया जाता जो कि इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड। जानते ही हैं मेल एंड फीमेल कैसे देखा, मेल अलग होगा इस तरह से मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। देखिए इसमें एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब ये अंडे बाहर निकल जाते हैं बॉडी से और बाहर ही फर्टिलाइज होते हैं ये, ठीक। तो डेवलपमेंट जो इसमें जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि लार्वल पीरियड नहीं पाई जाती है, सीधे इंडिविजुअल बनता है और वो ग्रो करके मैच्योर हो जाता है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पहले लार्वल पीरियड आती है, जैसे मेढक में टेडपोल होता है, ठीक है, और वो टेडपोल डेवलप करके फ्रॉग बनाता है। तो डायरेक्ट में जो यंग वन होता है, जो उसका बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो बिल्कुल मैच्योर इंडिविजुअल की तरह ही लगता है। जबकि इनडायरेक्ट में इसमें पहले लार्वा बनता है, लार्वा जो होता है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक। इसके बाद ये मैच्योर होता है, यंग वन बनता है, ठीक है, मैच्योर होता है। देखिए एक चीज़ बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेडपोल होता है, टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद ये फ्रॉग बनाता है, फ्रॉग मैच्योर फ्रॉग बनाता है, ठीक है, फ्रॉग्स। तो इस टेडपोल के मेटामॉर्फोसिस में कौन सा जो मटेरियल्स, कौन सा एलिमेंट्स हेल्प करता है, कौन सा मटेरियल हेल्प करता है, ठीक है, तो उसका आंसर होगा आयोडीन, ठीक। और कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है, तो थायराइड, थायराइड, ठीक है। थायराइड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आयोडीन होता है, ठीक है। तो आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो टेडपोल जो होता है वो फ्रॉग में बदल नहीं पाएगा, यानी लार्वा जो है उसके मैच्योर फ्रॉग में नहीं बदल पाएगा। अब इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्यूफो जिसको टोड कहते हैं, अराना ट्रिग्ना जिसको मेढक कहते हैं, अराना, ठीक है, ब्यूफो ये जूलॉजिकल नाम है, फ्रॉग, ठीक। इसके बाद हायला आता है, HYLA, हायला, जिसको ट्री फ्रॉग भी कहा जाता है, ट्री फ्रॉग, ठीक। इसके बाद सेलामेंड्रा आता है, सेलामेंड्रा जिसको सेलामेंडर भी बोलते हैं, सेलामेंडर, ठीक। थायोपिस होता है जो कि लिम्बलेस होता है, इसमें पैर नहीं पाया जाता, ये लिम्बलेस एम्फीबिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्बलेस एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये आपका एम्फीबियंस हो गए। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए इस नोट्स की, तो सारे नोट्स आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दीजिए, आपकी ईमेल आईडी पे इसकी पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी, थैंक यू। हाँ एक चीज़ और करिएगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। जितना अपने दोस्तों को बताइएगा उतना ही थोड़ा मेरा मुझे बेनिफिट होगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आपका और अच्छे वीडियो बनाने का अंदर से जज्बा आएगा, ठीक है।